राइट 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 एंड कि जोड़ में किसी प्रकार की स्वेलिंग हो दोस्तों तो वहां अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और चीजें भी लेनी पड़ेंगी। करेक्ट करेक्ट। बट यदि आपको जोड़ों में स्वेलिंग रहती है तो अश्वगंधा वायु और कफ दोनों को कम करता है, तो उस करके जो इन्फ्लेमेशन है उसमें कमी लेकर आता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में कोई भी अर्थराइटिस का केस हो और दवाइयों के साथ अश्वगंधा जरूर ऐड करता हूँ, आप भी लीजिए। अमेजिंग अमेजिंग। डॉक्टर साहब, पीसीओडी एक कंसर्न आ रहा है, तो इसके लिए कुछ आप अपना आप बिलीव नहीं करोगे सिद्धार्थ, ये पीसीओडी बहुत बड़ा कंसर्न है। आई शुड टॉक टू द हेम्बे पीपल आल्सो, स्टार्ट मार्केटिंग मधुनाशिनी एंड त्रिफला फॉर पीसीओडी। ओके। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में भी अगर आपको ट्रीटमेंट लेने जाएगा ना पीसीओडी का, तो पहली दवाई जो शुरू होती है वो शुगर की दवाई शुरू करते हैं, मेटफॉर्मिन। आयुर्वेद के अंदर भी जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट है वो शुगर की दवाई से ही होएगा, मधुनाशिनी से होएगा, त्रिफला से होएगा। राइट। सो इट मींस यदि हम क्लियरली एक पॉइंट समझे तो सप्लीमेंट, राइट सप्लीमेंटेशन लेने से ही आप अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व Yes. कर सकते और हैं। लगातार एंड लगातार सप्लीमेंट्स लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। राइट राइट राइट। एंड आई थिंक सर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, एंड मुझे ये लग रहा है कि ये जितने मैं प्रश्न ऊपर नीचे कर रहा हूँ मुझे कुछ कॉमन आ रहे हैं। सो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी कवर किए हैं, एंड सपना मैम प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, एंड इफ यू कैन राइट तो यही तो मैं आपको अब मैं रैंडमली किसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहूंगा टू अनम्यूट देम, राइट। बट मैं ये चाहूंगा कि आप अपना रेलिवेंट प्रश्न पूछें, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे प्रश्न हमारे साथ शेयर हो चुके हैं, राइट। तो आप अपना मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, जो भी आप पे क्वेश्चन पेंडिंग है। गौरी मैम प्लीज एक बार अपना चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ओके आई राइट। प्रियंका मैम त्रिफला ऑलरेडी सर बता चुके हैं उसके बारे में। आई थिंक डॉक्टर साहब एक और कॉमन क्वेश्चन आया है, वो मैं आपसे जरूर हाईलाइट पूछना चाहूंगा कि चलते समय सांस फूलना, राइट। आई थिंक ओबेसिटी के तो चैलेंजेस रहते ही हैं, स्टेमिना प्रॉब्लम भी रहता है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब? चलते समय सांस फूल रहा है तो पहले तो आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं, वो कम ना हो, ठीक है ना। तो दूसरी बात, आप रेस्पिरेटरी के स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसके मल्टीपल रीजन हैं, एक बार आप अपना डॉक्टर से डायग्नोस करा के आप स्टार्ट करें उसको। करेक्ट। चलते समय यदि सांस फूल रहा है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन में कमी होगी। करेक्ट। प्रीति मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्रीति गुप्ता मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव। डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया डायबिटीज में अश्वगंधा लेना चाहिए, तो इसको कब लेना चाहिए? हम मधुनाशिनी के साथ बिफोर फूड लेना है कि अश्वगंधा को कब लेना है? मैम अश्वगंधा का कोई टाइम नहीं है लेने का, इट कैन बी टेकन एनी टाइम ऑफ द डे, आप रात को उठ के भी अश्वगंधा ले सकते हो, सबसे बेस्ट पार्ट अश्वगंधा का यही है। ओके ओके। तो यू कैन आइदर कंबाइन विद मधुनाशिनी और यू कैन टेक अश्वगंधा इंडिपेंडेंटली एट इवनिंग ऑल्सो। बट अगर कोई मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, डायबिटीज का आदमी अश्वगंधा के बगैर जीवन जीना ही नहीं चाहिए उसको। ओके जैसे आपने बताया कि मधुनाशिनी बिफोर फूड लेना है, तो अलोंग विद बिफोर फूड हम अश्वगंधा दो टाइम ले लें? ले सकते हैं बिल्कुल, गो हेड। ओके ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, बट आई थिंक आप अपने क्वेश्चंस रेट रखिए। मीनू के नाम से सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मीनू के नाम से हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। यस सर। हाइपोथायराइड में ब्राह्मी मैडम, आप सुबह अपनी जो थायराइड की जो गोली है उसके 15-20 मिनट बाद एक गोली ले सकते हैं पानी के साथ। ऑल राइट। एंड डॉली सचिन सर प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। सर थायराइड ग्लैंड रिमूव हो गया है तो कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं इसमें? थायराइड ग्लैंड रिमूव हो गया है तो आप अपना थायरोनोम ले रहे होंगे सुबह एवरीडे। जी जी। हाँ तो आप साथ में त्रिफला को जोड़िए, बिकॉज उसमें ब्राह्मी का कोई रोल नहीं, जब थायराइड हार्मोन ग्लैंड ही नहीं है तो ब्राह्मी इतना इफेक्ट नहीं करेगा, त्रिफला का जोड़िए अपने साथ। ठीक ठीक है। थैंक यू।
यू। सो लास्ट टू क्वेश्चन प्लीज, आई रियली रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैंड रेस हो चुके हैं। एंड उर्वशी मैम, यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। जी मैम, यू कैन अनम्यूट मैम, आप अपने बटन। यस मैम, हेलो डॉक्टर, फॉर एसिडिटी एंड अल्सर्स व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन? मैम अल्सर्स कहाँ पर हैं? स्टमक में, पेट में, स्टमक स्टमक अल्सर अभी स्टमक है एंड माउथ, एंड माउथ आल्सो, फॉर माउथ अल्सर्स आल्सो। तो देर आर टू रीजंस फॉर इट, आइदर यू आर टेकिंग बैड फूड और यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ओके ओके राइट, तो दोनों से स्टमक में और माउथ में अल्सर्स होते हैं। ओके, तो आपको मैं पहले बात बता दूं, एज सच इफ यू आर नॉट कंसल्टेड इन आयुर्वेदिक डॉक्टर येट, इट इज बैड फॉर यू। ओके, दूसरी बात, स्टमक के लिए जो त्रिफला है बेसिकली वो अल्सर्स के अंदर हेल्प करता है, क्योंकि आंवला ठंडा है तो आप उसमें उसको ले सकते हैं। ओके, लेकिन लेकिन आप इसमें, आप कहां से बोल रहे हैं? फ्रॉम कोयम्बटूर। ओके, कॉलिंग फ्रॉम कोयम्बटूर। या तो बेसिकली मैडम आपको जान के हैरानी होगी, इफ यू आर कॉलिंग फ्रॉम कोयम्बटूर यू मस्ट बी टेकिंग रेगुलर राइस। या करेक्ट, यूजली हम डॉक्टर्स लोग राइस को मना करते हैं अल्सर्स में। ओके ओके ओके, एंड द अदर थिंग इज द थ्री थिंग्स विच हेल्प रिड्यूस अल्सरेशन इज कोकोनट वाटर विच इज अबंडेंटली अवेलेबल एट योर प्लेस। ओके, सेकेंड इज चिल्ड मिल्क। ओके ओके राइट, एंड थर्ड इज जो बिस्लरी का सोडा आता है ना, खारा सोडा, विस्की वाला सोडा। हाँ हाँ, तो ये तीनों चीजें जो हैं ये रेगुलर अल्सरेशन को बेटर रखती हैं। ओके ओके, और आप त्रिफला का सेवन करिए, बट माय सजेशन टू यू, यू शुड गो एंड कंसल्ट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर फर्स्ट, बिकॉज अल्सरेशन में इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड द पावर ऑफ राइट एक्सपर्ट, जिनसे हम जानना चाहेंगे। एंड लास्ट टू प्लीज, आई रियली रिक्वेस्ट, आई एम रियली सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम इस चीज को कर रहा हूँ। सो नितेश शर्मा जी, आप प्लीज कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। थैंक यू सिद्धार्थ जी, गुड इवनिंग सर। सर आवाज आ रही है सर मेरी? सर एक्चुअली मैं वेरिकोज वेन्स के लिए कुछ सजेशन चाह रहा था, क्योंकि एक बार उनका वेरिकोज का ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन वो दोबारा फिर से उनको वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है पैरों में, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम अपने यहाँ से? सर पहली बात, वेरिकोज वेन्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर ऑपरेशन होने के बावजूद भी उनको फिर से आ गया, इसका मतलब आपको बता रहा है कि ट्रीटमेंट नहीं है। वेरिकोज वेन्स में जो वेन्स फूल जाती हैं वो एक दिखावे के लिए, आप उसको समझ के चलिए, कोई उसको ज्यादा टेंशन ना ले। यदि लेकिन दर्द हो रही है, साथ में खारिश बहुत ज्यादा होती है, उसका ट्रीटमेंट हम डेफिनेटली कर सकते हैं। बट वेरिकोज वेन्स का जो नाड़ियों का उभार है वो सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर से निकल के आना शुरू हो जाएगा। यूजली देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोज वेन्स। ओके, सो यस, लास्ट वन क्वेश्चन आई थिंक हमें ले लेना चाहिए यहाँ पे, एंड आई कैन सी। ओके अभिषेक सर, ओवर टू यू, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक जी, अभिषेक। गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर साहब, मेरे को साइनस के बारे में पूछना था, क्रोनिक साइनस जैसे है, जैसे ईयर पूरा क्लोज है या नोज भी पूरा बंद रहता है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है साइनस का, आज सुबह से मैं 3 मरीजों को दिल्ली साइनस की दवाई भेज चुका हूँ। तो ये एक्चुअली वो एरिया ऐसा है कि लोगों को वहां पर एलर्जिक साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जी हाँ जी, बोलिए। तो साइनस का मेरे को भी इशू है, अब लेफ्ट ईयर में पूरा, वो कहते हैं कि पूरा बंद हो चुका है वेन्स जो आपका नोज से ईयर को कनेक्ट होता है, और लेफ्ट नोज पूरा बंद ही रहता है डॉक्टर साहब, वो कंटिन्यूस। इससे बेटर यही है कि आप अपना प्रॉपर अपना कंसल्ट करें, लेकिन मीनवाइल ना आप अपना सुबह जो रात को मैंने आपको घी डालने को बोला है उसका सेवन करें। okay. और जो दूध का नुस्खा मैंने बताया है आपको, अगर 20-30 पैसे भी उससे राम आता है, जी, अगर 20-30% भी राम आता है, देन जस्ट कॉल एंड कंसल्ट मी। ठीक है सर, मैं आपको कंसल्ट करता हूँ सर, नंबर लेके सिद्धार्थ से। ठीक है सर। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। एंड निर्मल सिंह सर, ओवर टू यू, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
हेलो विमल सिंह जी, एक मिनट वेट कीजिए, 10 मिनट के बाद फोन करना। हाँ जी, ये लोगों ने एमवे से अभी फोन करना शुरू कर दिया। जी 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 जी, सब ओवर टू यू। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथों में अगर नमनेस है तो उसके लिए क्या लेना है? सर हाथों में नमनेस है तो बहुत, ये आप चेक करवाइए, ये सर्वाइकल का इशू भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं यहाँ से बैठा तो नहीं पता लगा सकता नमनेस क्यों हो रही है, बट आप अश्वगंधा स्टार्ट कर सकते हैं बेझिझक। ऑल राइट, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट टाइम। एंड आई थिंक ये जितना बड़ा हम इस टॉक शो को लेके जा सकते हैं, डेफिनेटली हम इसे बहुत देर तक चला सकते हैं, बट आई थिंक हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा जो आज के पूरे इंटरवेंशन की तरफ से हमें जो अंडरस्टैंडिंग आई है, राइट सप्लीमेंटेशन, राइट राइट टाइमिंग और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये ही आज का मेन जो हम कह सकते हैं, पूरा जो मैं कंक्रीट व्यू बताऊंगा तो वो यही है आप सभी के लिए। सही सप्लीमेंटेशन लीजिए, डॉक्टर साहब ने आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताया है, हमारे इंटरवेंशंस की तरफ से भी, एमवे मार्केटिंग की तरफ से आपको बहुत सारे इंटरवेंशंस होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज होती है, बट डॉक्टर साहब ने जो आपकी प्रॉब्लम, जो कि आपकी कस्टमर्स, क्योंकि आज यहाँ पे आप एज अ कंज्यूमर जुड़े हैं, राइट, बट आप एक अच्छे कस्टमर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे रिटेलर भी बन सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि ये सारी प्रॉब्लम जो आज आपने यहाँ पर सुनी है, इस प्रोग्राम के माध्यम से समझी है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स कितने सारे लोगों को जरूर होगी, राइट। जैसा कि आज हमारे साथ यहाँ पे गाजियाबाद से जुड़े थे अभिषेक जी, राइट, उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि उन्हें साइनस की प्रॉब्लम है, राइट, और ऐसे पंजाब से लोग जुड़े हैं यहाँ पर, एंड उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, उत्तराखंड से जुड़े हैं, तो आई कैन सी देर आर अ ह्यूज स्कोप, राइट, जहां पे आप बहुत सारे लोगों को सही सप्लीमेंटेशन के बारे में बता सकते हैं, सही प्रोडक्ट को गाइड कर सकते हैं, और उससे भी पहली जरूरी इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने लिए सही सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। सो नीलम मैम, मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे कंसर्न रेज किया बार बार कि फास्ट रिकवरी, कोई भी फ्रैक्चर हो रहा है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जरूरी है आपकी बॉडी में राइट कैल्शियम अमाउंट होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रोटीन की आप हर रोज कंजम्पशन करें तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। यहां पे कुछ ऑल राइट, सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन, एंड आई कैन सी देर आर सम मैसेजेस, एंड ऑल्सो यदि किसी के आंसर यहाँ पे हम नहीं दे पाए हैं, राइट, तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके प्रश्न आ रहे हैं, और बहुत सारे प्रश्न मैंने यूट्यूब से पिक किए हैं, तो आई थिंक दिस विल हैपन, और ये हो भी जाता है, बट नो इश्यूज, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं एंड हम आपके साथ बहुत सारी नई नई इंटरवेंशन को लेकर आएंगे, हम डॉक्टर साहब को फिर से लेकर आएंगे आप सभी के बीच में, जहाँ पे आप अपने प्रश्न को आंसर कर सकेंगे, एंड मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं जो क्लियर हुए होंगे, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू, सबसे पहले वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर गौहर वत्स, जिनका समय, उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़े एंड बहुत सारे लोगों को गाइड किया, एंड ऑल्सो आप सभी का, क्योंकि इस समय ना सिर्फ हमने